पांच मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हराकर भारतीय टीम का अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोस्तों T20 ODI और टेस्ट का दौरा 10 दिसंबर से आपका स्टार्ट होगा दोस्तों मुकाबला, क्योंकि भारतीय टीम बेहद ही अच्छा प्रदर्शन करी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 के मुकाबले में। तो जानेंगे ODI मुकाबला और टेस्ट मुकाबला और T20 मुकाबला कब और कहाँ खेला जाएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों में T20 सीरीज में दोस्तों भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से बुरी तरह से हराया। अब भारतीय टीम का दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ दौरा है, जहां पर आपको बता दें टेस्ट और T20 और ODI के तीनों फॉर्मेट में मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। T20 के मुकाबले में दोस्तों कैप्टन यहां पे सूर्यकुमार यादव को बनाया गया, वहीं ODI के मुकाबले में दोस्तों आपको बता दें KL राहुल को बनाया गया है और टेस्ट में दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी होगी। लेकिन पहला T20 जो मुकाबला दोस्तों वो आपका 10 दिसंबर को खेला जाएगा दर्बन में, जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। वहीं दूसरा आपको बता दे तो 12 दिसंबर को और तीसरा आपको बता दे तो 14 आपको दिसंबर को खेला जाएगा T20 का मुकाबला। उसके बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ODI का मुकाबला आपका पहला मुकाबला खेला जाएगा 17 दिसंबर को और दूसरा 19 दिसंबर को और तीसरा आपका 21 दिसंबर को आपका ODI का मुकाबला होगा। उसके बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मुकाबले आपके खेले जाएंगे, जो कि पहला टेस्ट मुकाबला रहने वाला 26 आपके दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक और दूसरा टेस्ट मुकाबला 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में खेला जाएगा। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में भारतीय टीम चाहेगी T20 और ODI और टेस्ट के सीरीज पर कब्जा करें। तो आप लोगों की दोस्तों क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कैप्टन सूर्या और यहाँ पे ODI में दोस्तों राहुल और यहाँ पे रोहित शर्मा टेस्ट में कौन बेहतर कप्तान है, अपनी राय आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।